सूबे के तमाम रोडवेज डिपो के बाहर देखा जा सकता है, राज्य परिवहन के कर्मचारियों के द्वारा पूर्णतया चक्का जाम किया गया है। तो रोड सेफ्टी बिल की अगर बात करें उसका विरोध जताया जा रहा है, और साथ ही साथ 700 निजी जो रूटों को परमिट दिए जाने की बात कही गई है उसका भी कहीं ना कहीं विरोध है। राज्य परिवहन के कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से मान मनोबल की बातें वो अब नहीं करेंगे, जब तक रूट परमिट अगर लाने की सरकार कोशिश करेगी उसी दिन से अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर सरकार से लड़ाई का ऐलान अब राज्य परिवहन के कर्मचारियों के द्वारा किया जा चुका है। दो कंपनियां पुलिस की, बस स्टैंड और वर्कशॉप पर तैनात। मेरे को हिसार जाना है, बस नहीं मिली मेरे को। दिक्कत तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका इलाज क्या है? कोई इलाज किसी के पास है क्या? कोई इलाज नहीं है। काफी देर से खड़ा हूँ मैं, नहीं बाहर कोई 100 आदमी खड़े हैं सुबह ड्यूटी वाले, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? कुछ नहीं, सारी बकवास बना के रखी है। आप पिलानी है ना मुझे? अच्छा। नहीं, बस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर आज। तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आज जाना जरूरी था, अभी इनको छोड़ के आना था मेरे, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, है ही नहीं बस कोई। मजबूरी है ना, तो कोई और बस तो साधन तो चलता नहीं है। कितनी परेशानी? परेशानी तो खूब है, परेशानी है, इसलिए तो इसमें बैठे हैं। क्या करें, टाइम भी नहीं है, रोहतक जाके वापिस आना है। ऐसे हमने जनता से पहले भी अपील की थी कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये मांग करते हैं कि हम रोडवेज के अंदर जनसंख्या के आधार के ऊपर 15,000 बसें शामिल की जाए, जिससे 75,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को एक बेहतर सुविधा मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट के अंदर निर्भया कांड वगैरह भी इतने बड़े बड़े कांड हुए और उल्टा DTC लेनी पड़ी सरकार ने, तो हम भी ये मांग करते हैं कि हायर करने की बजाय रोडवेज के अंदर कम से कम 10,000 बसें शामिल करो, ताकि रोजगार भी मिल सके और एक जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। रोडवेज को बर्बाद करने की जो नीति है, कुछ दिन में हमारी रोडवेज को बदनाम करके बंद कर देंगे। दूसरी बात, जो घाटे की बात करें, हमारी बस जो सरकारी बस है वो लगभग 80,000 के लगभग टैक्स देती है, और जो प्राइवेट बस है वो 12,000 रुपए टैक्स देती है, वो टैक्स वगैरह मिला करके 42 कैटेगरी हमारी कंसेशन के आधार पे है, तो सभी जोड़ेंगे तो हमारी रोडवेज घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में है, सिर्फ सरकार बदनाम करने का काम कर रही है। इसके विरोध में अब हमारा जो आज का चक्का जाम है, ये हमारा कोई मांग भत्ते बढ़वाने के लिए नहीं, हमारा सीधा सीधा निजीकरण रोकने के लिए, तालाबंदी रोकने के लिए आज की स्ट्राइक है। रोड सेफ्टी बिल के आने से आम आदमी पर भी इसके इफेक्ट पड़ेंगे, और ये जो बड़ा घातक इसके परिणाम होंगे, जिस प्रकार से भी जो भी आपके पास जिस कंपनी का साधन होगा वो कंपनी आकर के आपके फिक्स करेगी भी, टायर की मैद इतनी है, गियर बक्सा भी बदलना है, चेंज करना है, वो आपके घर पर आके बदल जाएंगे और बिल थमा जाएंगे आपको। इसी के वजह में हरियाणा सरकार ने जो हमारे ऊपर जो 700 बसें प्राइवेट हायर करने की बात कर रही है, जिसके अंदर प्राइवेट बस होगी, प्राइवेट चालक और कंडक्टर हमारा जो सरकारी की बात कर रही है, इसके विरोध में भी हमने आज पूरा ये चक्का जाम किया। और रोड सेफ्टी बिल के विरोध में और 700 बस प्राइवेट परमिट जो परिचालक है सरकारी और ड्राइवर और बस प्राइवेट होंगे उनका विरोध में एक दिन की हड़ताल है। आगे अगर सरकार को एक ये चेतावनी दी गई है एक दिन के लिए, अगर इन 700 रूट परमिट लेने की कोशिश करेगी सरकार, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है, इससे बड़ा और भी कोई फैसला लिया जा सकता है।